तो भाई आज प्रैक्टिस के लिए मिली है मुझे ये बाइक और ये है अपनी 220 जो कि कल ही तैयार हुई है। पुरानी वाली गाड़ी से बहुत सी चीजें अल्टी पल्टी करके इसको रेडी किया गया है। अगर तुमने एक टायर पे गाड़ी लेकर आए तो दोनों गाड़ी तुम्हारे को फ्री में गिफ्ट बिना पेपर के साथ। ये चीज ना परेशान कर रही है मुझे, इसकी वजह से बहुत दिक्कत जा रही है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग, मैं शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भैया आज है अपनी ट्रेनिंग का डे 6 और अभी अपना व्हीली पॉपअप करना स्टार्ट हो गया है। तो आज मैंने कुलदीप भाई से बात की है कि भाई मुझे एक दो स्टंट के और बेसिक बताओ, क्योंकि अभी मेरा ये लास्ट डे भी है और कल फिर मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मुझे एक फ़ोटोशूट का काम आया है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। तो सीन ऐसे है कि आज पहले करना है सर्कल, उसके बाद फिर करना है व्हीली पॉपअप। भाई आज बाइक्स के कलेक्शन में मुझे दूसरी बाइक मिलने वाली है, ये नई तैयार हुई है शायद, हाँ ये वाली नई तैयार हुई है और ये तो ख़त्म कर दी, ये वाली जिस पे मैं पहले दिन से कर रहा था। तो आज वो नई वाली बाइक उठाते हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। भाई देखो प्रैक्टिस करने जा रहा था, पूरा किटअप हो चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी टाइम पे आ गया वड़ा पाव, तो प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की नहीं और मैं वड़ा पाव खाने में लग गया और अभी बाइक पे फ्यूल भी नहीं है, तो मैं अपनी बाइक से फ्यूल निकाल के अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई आज प्रैक्टिस के लिए मिली है मुझे ये बाइक और ये है अपनी 220 जो कि कल ही तैयार हुई है। पुरानी वाली गाड़ी से बहुत सी चीज़ें अल्टी पल्टी करके इसको रेडी किया गया है, तो आज अपनी प्रैक्टिस होगी इस पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस और आज है डे 6। जय श्री राम। जब भी गाड़ी बदलती है ना तो थोड़ा सा उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। जैसे कि इसका ब्रेक मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ड है, देखते हैं क्या सीन है। अभी तो सबसे पहले डेली वाला काम ब्रेकिंग और फिर उसके बाद सर्कल। भाई मेरी प्रैक्टिस शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि बाइक से पेट्रोल नहीं निकल रहा है और यहाँ पे जो चाबी लगती है वो भी टूट के अंदर घुस गई है। क्या करो, वैभव भाई लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बना ही लेगा आज, आज तो बन के रहेगी बाइक अपनी। अगर तुमने एक टायर पे गाड़ी लेकर आए तो दोनों गाड़ी तुम्हारे को फ्री में गिफ्ट बिना पेपर के साथ। पेपर है। तो भाई अभी ब्रेक लिया है, हालत देखो खराब हो गई, पूरी टी शर्ट गीली हो गई है और वैभव भाई ने आज बढ़िया ट्रिक बताई व्हीली की, तो आज मेरी व्हीली भी अच्छी पॉपअप हो रही है। थोड़ा ठंडा करेंगे बॉडी को और एक बार फिर से करेंगे व्हीली, तो फिर आप लोगों को मोबाइल में दिखाते हैं। अभी क्या हम लोग प्रैक्टिस में लग जाते हैं ना तो शूट करना भूल जाते हैं, तो अभी वैभव भाई को देते हैं कैमरा और एक बार शूट कर। यार मतलब एक दो तो बचता है ना, थंबनेल कैसे डालेंगे, हमारा वीडियो कैसे चलेगा। थंबनेल की भी ना प्रैक्टिस कराई जाती है, अगर आप लोगों को थंबनेल क्लिक करना नहीं आता तो वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है और उसके लिए चार्ज लगता है बाइक का, क्योंकि बाइक को गिराया जाता है। ठीक है, तो थंबनेल महंगा है, कितना है थंबनेल का चार्ज? 500 रुपए में थंबनेल क्लिक, वायरल वीडियो वायरल। भाई एक बार फिर से किटअप हो गए हैं, काफी ब्रेक ले लिया और थोड़ा सा बॉडी को भी अच्छा लगा ब्रेक लेने के बाद। तो अभी वीडियो शूट करने के लिए कोई है नहीं, साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा है वैभव भाई, अभी अंदर है तो मैं कैमरा यहाँ पे लगा के जा रहा हूँ। आप लोग देखो व्हीली करता हूँ मैं ट्रैक पे, देख के बताओ कि कैसी व्हीली हो रही है, कमेंट जरूर करना भाई। भाई आज की प्रैक्टिस डन, दिन वाली
और हाथ में देखो ये फिर से साला निकल आया। ये चीज़ ना परेशान कर रही है मुझे, इसकी वजह से बहुत दिक्कत जा रही है। दूसरे फिंगर्स में पुल करने की वजह से थोड़ा सा सीन हो रहा है, बाकी हम लोग ने बहुत सारा अच्छा काम, फंडा समझ में आ गया है भाई। प्रैक्टिस के बाद नहाना वाना हो गया, आज पता नहीं क्या सीन चल रहा है, लाइट गोल है सुबह से, ना मोबाइल चार्ज है ना गोप्रो चार्ज है, और अभी शाम की फिर से प्रैक्टिस करना है तो चार्ज करना ज़रूरी है यार, नहीं फिर ब्लॉग कैसे होगा, ना टाइम पास हो रहा है। तो आज मैंने खाने के लिए मना कर दिया था कुलदीप भाई को, रोज़ घर से खाना आता था, आज मैं जा रहा हूँ बाहर खाने के लिए, नहा लिया है, फटाफट से निकलते हैं, पुणे आए भाई तो यहाँ का कुछ लोकल ट्राई करना चाहिए। भाई देखो ऐसा नींबू पानी मिलता है यहाँ पे बिना किसी ब्रांडिंग के, अब पीने में कैसा है वो मैं पी के बताऊँगा। बाकी अभी मैंने कर दिया एक डोसा ऑर्डर, तुमने क्या किया है? तो भाई खाना वाना खा के वापस से आ गए इंस्टीट्यूट, अब बस लाइट आ गई हो ना तो 2 घंटे खींच के सो लेंगे, मजा आ जाएगा भाई, देखते हैं क्या सीन है। भाई लाइट नहीं आई क्या? हाँ तो भाई लाइट तो नहीं आई है लेकिन नींद तो आ रही है, जैसे तैसे सही सोना तो पड़ेगा। तो भाई शाम की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन कॉफ़ी ब्रेक हो गया, हमारे कोच वैभव भाई ने कॉफ़ी बना दी तो अभी कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद व्हीली पॉपअप करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई व्हीली प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है मेरी भी और साद की भी, और आज करा रहे हैं कुलदीप भाई प्रैक्टिस तो फटी पड़ी है। ये देखो बाबा व्हीली पॉपअप हो रही प्रॉपर, ओ टाइमिंग गड़बड़। तो भाई आज लाइट नहीं है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ पे बस लाइट आ रही है, बाकी यहाँ देखो इस तरफ की लाइट है ही नहीं, रूम में लाइट जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या तो सीन हो गया है। तो आज की शाम की प्रैक्टिस भी अंधेरे में हुई है, आज सब खत्म है, लाइट भी नहीं है पेट्रोल भी नहीं है, कल सुबह की प्रैक्टिस कैसे होगी फिर, आ जाएगा? अच्छा पता नहीं क्यों जहाँ पे हम बैठे हैं इस जगह पे लाइट है और पूरे एकेडमी में लाइट नहीं है, तो वेट कर रहे थे काफ़ी देर से लेकिन अभी लाइट नहीं आई तो अब निकल रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं रात का, इसके बाद सोने का जुगाड़ करना है भाई, कुछ नहीं बना तो यहाँ पे टेंट है ना वैभव भाई? हाँ हाँ, तो यहाँ पे टेंट लगाएंगे यहीं पे सोएंगे क्योंकि अंदर तो भाई मच्छर उठा के ले जाएंगे। तो भाई आज की ट्रेनिंग हो गई है कम्प्लीट, अब खाना खाने जा रहे हैं, व्हीली पॉपअप करना आने लगा है, बस हाथ में थोड़ा सा मेरे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ना जो ग्रिप करके हम बाइक खींचते हैं वो नहीं हो रहा है, तो वो भी आ जाएगा। तो ऐसा कुछ था आज का वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।